एक चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए ये हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या कर दिया है। जो जंगल राज लाने वाला गुंडा राज स्थापित कर रहे हो, तुम्हारा जंगल राज को भी मिटाए हैं, तुम्हारा गुंडा राज को भी मिटाएंगे। तुम्हारे लाठी और गोली से नहीं डरेगा भाजपा का कार्यकर्ता, हर गांव से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये गुंडों की सरकार है और ये गुंडे की सरकार अब राज करने के योग्य नहीं है। ये आपातकाल सदन के अंदर बोलने नहीं देना, बोलेगा तो मार्शल से बाहर करेंगे, बाहर में नारा लगाओगे तो लाठी से पिटवाएंगे। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाला एक चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए ये हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या कर दिया है। कई लोग घायल है, गंभीर है, मैं यहीं पर बैठूंगा। डाक बंगला में हम लोगों को भी पीटा गया, कई कार्यकर्ता को ब्रेन में चोट लगा, एक डेथ कर गया, कई हॉस्पिटल में कई महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ है। और ये अत्याचारी व्यभिचारी सरकार एक चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए शिक्षकों का न्याय नहीं देने का, 10 लाख की नौकरी का मुद्दा उठाने पर जिस तरह से ये लाठियों की बौछार की है, ये सरकार पूर्णतः आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्ति अपना ली है। राजभवन मार्च करेंगे, विधानसभा विधान मंडल के कस्टोडियन गवर्नर हैं, ये सरकार को संज्ञान ले, ये सरकार अब एक दिन भी राज करने के योग्य नहीं है। वो लाठी चला है, बीजेपी के गुंडे हैं, हम पर लाठी चलाया। अरे गुंडों की सरदार, जो जंगल राज लाने वाला गुंडा राज स्थापित कर रहे हो, तुम्हारा जंगल राज को भी मिटाए हैं, तुम्हारा गुंडा राज को भी मिटाएंगे। तुम्हारे लाठी और गोली से नहीं डरेगा भाजपा का कार्यकर्ता, हर गांव से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। जी, आप यहाँ पर धरना पर बैठे हैं तो आज क्या कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे? भाग लेने नहीं दिया, मैं तो 2 बजे कहा था कि हमारा अनुपूरक में हमको डिबेट करना है, आने नहीं दिया। इनके हस्तिनापुर के गुलामों ने पहले हमको रोक दिया इनकम टैक्स के निकट, यहाँ आए तो यहाँ रोक दिया, शास्त्री नगर थाना ले जाने के लिए फिर विधानसभा के गेट पर छोड़ दिया। अब पूछिए उन लोगों से पूछिए कब तक आप यहाँ पर धरना पर बैठेंगे? बैठेंगे जब तक के न्याय नहीं मिले। लेकिन आप नेता विरोधी दल हैं, आप सदन में ही नहीं जा रहे हैं, बताइए। हमारा लोगों की मौत हो गया, ये सरकार सुबह में बोलने नहीं दिया, आसन किस तरह से आसन की गरिमा को गिरा दिया, बोलने के लिए खड़े हुए अपनी बात रखने के लिए किस तरह से माइक बंद कर दिया, माइक किस तरह से आपको कैमरे को घुमा दिया। मेरे कार्य विधायक जब कैमरे का कहा कि कैमरा क्यों घुमा देते हो, तो उसी को मार्शल से बाहर कर दिया। मौत का दोषी कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये गुंडों की सरकार है और ये गुंडे की सरकार अब राज करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर धरना पर कब तक बैठे हैं आप? तो ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है, अचेत अवस्था में थे वो। ये हस्तिनापुर के गुलामों को सत्ता बदलती है, न्यायिक जांच बैठेगी और कार्रवाई होगी, कोई बक्से नहीं जाएंगे, याद रखें। तलवार से मारा है, जो कटिंग मिला है। कब तक आप धरना पर? तलवार से मारा है, हम बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं। सर विधायक को कवर कर दीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ सचिवालय लगी, कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें जो केदार क्या कर रहे हैं आज, बताइए कि विधायक विधानसभा मार्च किया, कौन सा अनर्थ कर दिया? आज हम लोग आए शांति के साथ, आने वाला जुलूस पर लाठी चार्ज क्यों हुआ, क्यों ये अत्याचार हुआ? साफ
काटे, बिच्छू काटे, इधर कोई सोच वाला, नीतीश कुमार सोच वाला।